रेडीमेड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व बिही नस्तईन सुभानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमताना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नमाज असर से पहले के दर्स में हम लोगों ने ये जाना कि बाद सहाबा ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाते अनवात का मुतालबा किया तो आप सख्त नाराज हुए और इंतहाई सख्ती के साथ उनको तंबीह की और उनके इस मुतालबे को बनी इसराइल के मुतालबे की तरह करार दिया कि तुमने जो मुतालबा किया है ये ऐसा ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से उनके साथियों ने कहा था कि हमारे लिए माबूद बना दो। हाँ, तो इससे कई फायदे हासिल हुए जो बहुत ही अहम है कि तौहीद के सिलसिले में इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई इस किस्म की गलती करता है तो उसे फौरन समझाया जाए, अगर वो मान लेता है तो फिर उसको काफिर नहीं कहा जाएगा, नहीं मानता है तो काफिर हो जाएगा। और इस सिलसिले में जो कबर परस्त या औलिया परस्त का जो एतराज है कि देखिए उन लोगों ने ऐसा कहा फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लम ने डांटा तो मगर उन्हें काफिर नहीं कहा, तो उसका जवाब यही है कि उन लोगों ने ऐसा किया नहीं था। हाँ, मुतालबा किया लेकिन किया नहीं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लम ने जैसे तंबी की उन्होंने तौबा कर ली, उनकी इसलाह हो गई। फिर यह भी पता चला कि अगर कोई ऐसा करता है चाहे उसको काफिर ना करार दिया जाए लेकिन उसको बहुत सख्ती से तंबीह की जाएगी, उसको बताया जाएगा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमे के तकाजे के तालीम के खिलाफ है। उसके बाद मजीद एक शुभा, ये सब हमने पिछले पढ़ा, मैंने उसका थोड़ा सा इयादा किया ताकि आगे के की बात से उसका रब्त हो जाए। इसी तरह कुफार व मुशरिकीन का, ये कौन से जो अपने आप को कलमा गो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले, उनका एक एतराज सवाल ये है जो मैंने नमाज से पहले अपनी जबान में बताया था, अब किताब की इबारत में देखिए कि यकुलूना इन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरा अला उसामा कतल मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उन पर इनकार किया, उनको उनसे बहुत शिद्दत से नकीर की। और मैंने वाकया बताया था नमाज से पहले कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जंग के दौरान जिसने कलमा पढ़ लिया फिर भी मार दिया, अल्लाह के रसूल सल्लम ने उस पर सवाल किया कि कलमा पढ़ने के बाद भी तुमने क्यों मारा, तो कहा वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। तो आपने कहा कि उसके सीने को दिल को चीर कर तुमने क्यों नहीं देखा, क्या कोई सीना चीर के देख सकता है कि कौन किस जज्बे से कलमा पढ़ रहा है, नहीं कर सकता। इसका मतलब आप ये बता रहे हैं, आपके इस जुमले से ये जाहिर है कि एक शख्स अगर अपने आप को मुसलमान कह रहा है कलमा पढ़ रहा है तो हमें उसका एतबार करना होगा जब तक के उसके खिलाफ कोई चीज साबित ना हो, जैसा कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो हजरत उसामा को शिद्दत से आपने रद्द करते हुए बार बार कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने के बाद तुमने कैसे कत्ल किया। रिवायतों में मुझे याद पड़ता यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि मैं इससे बरी हूँ, उसामा के फेल से बरी हूँ, जैसे कि हजरत खालिद बिन वलीद के वाक्य में भी है। चुनांचे ये कबर परस्त इस वाक्य से ये इस्तेदलाल करते हैं कि देखिए खालिद बिन वलीद हते उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उसको कलमा पढ़ने के बाद मारा तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने उसका रद्द किया, शिद्दत से इनकार किया। तो हम भी तो कलमा पढ़ रहे हैं, आप हमें काफिर कैसे बोल सकते हो? मतलब कलमा पढ़ लिया तो आदमी काफिर नहीं होगा, गोया उनके दिमाग में ये बैठा है। सिर्फ कलमा पढ़ लेना एक आदमी को जानो माल को महफूज बनाता है, वो ये कहना चाह रहे हैं, उनका सवाल। दूसरा शुबा इसी तरह का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस साबित है कि आपने फरमाया उमिर तो अन उकातिल अन्नास हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे लोगों से किताल का हुक्म दिया है, मेरे और उनके दरमियान गोया एक हद फासिल है, इख्तलाफ की बुनियाद है, वो क्या है? यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो फिर अब उनसे किताल जायज नहीं होगा, उन्होंने जानो माल को महफूज कर लिया। वाजे तो अब ये कह रहे हैं कि वह अहादीस उखरा फिलकफे अम्मन कालहा, और दूसरी बहुत सारी अहादीस है जो उसके कहने वाले से रुक जाने के सिलसिले में है। किसके कहने वाले से? लाया, मतलब हदीसों में ऐसे और भी बहुत सी हदीसें हैं जिसमें यह मजमून मिलेगा कि एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है तो अब उसको मुसलमान माना जाए, उसको मुसलमानों का हक मिलेगा और उस पर दस्त दराजी जायज नहीं होगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना सिर्फ काफी है इन हदीसों से, वो या ये जाहिर होता है। वह मुराद हाउलाइल, अब ये जो इससे इस्तेदलाल करते हुए उनके दिल में जो गलत फहमी है जिसको शुबा हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं
کہ ان جاہلوں کا کی مراد اس سے یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے ان حدیثوں کو پیش کرنے سے، کہ ان من قالھا، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو کہہ دے گا، لا یکفر ولا یقتل ولو فعل ما فعل، کہ نہ وہ کافر ہو سکتا ہے نہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ چاہے جو عمل کر لے، فعل ما فعل، کرے جو کرے، یعنی کوئی بھی عمل کر لے. ان کی دلیل استدلال یہ ہے ان حدیثوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے جان مال بچا لیا، اس سے جنگ نہیں کی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے حقوق ملیں گے، وہ اخوت ایمانیہ میں داخل ہو جائے گا. ان احادیث کا مقتضی حاصل یہ ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ اب ایک آدمی نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب وہ قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے، کسی تعزیہ کو پوج رہا ہے، یا حسین یا رسول اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد پکار رہا ہے، کھلا کھلا شرک اکبر کر رہا ہے، کسی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، پیر صاحب کو سجدہ کر رہا ہے، ان کو متبرک سمجھ رہا ہے، ان کی چیزوں کو متبرک سمجھ رہا ہے، ایسی کوئی بھی حرکت کر رہا ہے، چونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہے اس لیے وہ مسلمان ہے. سوال سمجھا؟ اعتراض ہے یہ، ان کا استدلال ہے. ان کا یہ استدلال دراصل غلط فہمی اور شبہ پر مبنی ہے کہ ان حدیثوں کو انہوں نے سمجھا نہیں. فَيُقَالُ لِهَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْجُهَّالِ، عربی میں جاہل کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں جوہال، عالم کے مقابلے میں ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ذرا برا ہے، اس لیے کچھ لوگ اچھا ترجمہ کرنے کے لیے نادان بولتے ہیں. ایک چیز بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ دوسری زبان میں بولنے سے اس کی قباحت کم ہو جاتی ہے نا، ہوتا ہے نا، کچھ الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں جو گندے لگتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے بیت الخلاء کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس لفظ سے ہی بدبو آتی ہے. کہا فَيُقَالُ لِهَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْجُهَّالِ، ان نادان مشرکین سے، میں نے اچھا ترجمہ کیا، جاہلوں سے، ان جاہل مشرکوں سے یہ کہا جائے گا انہیں جواباً، کہ معلوم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل الیہود وسباہم وہم یقولون لا الہ الا اللہ. میں نے جو ابھی کہا تھا نا کہ منہ توڑ، دندان شکن، آنکھ پھوڑ، ناک پھوڑ، جواب، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی باتیں اس کتاب میں بھی ایسے دوسرا ان کا عام انداز ہے، سلف کا منحج ہے یہ ان کا طریقہ، بہت ہی مضبوط دلیلیں دی ہیں. لوگ تعصب میں، ہر دھرمی میں نہ مانیں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، الگ بات ہے، اگر آپ غور کریں تو بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی مضبوط جوابات دیے ہیں. تو انہوں نے پہلا جواب یہ دیا، اس سے پہلے کئی جوابات گزر چکے ہیں، یہاں جو پہلا جواب دیا کہ اب سوچئے کہ ان مشرکین سے جو قبر پرستی کر رہے ہیں ان سے ہم یہ جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جنگ کی، قتال کیا، ان کو مسلمان نہیں مانا، حالانکہ اور ان کو قیدی بنایا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، قیدی بنایا، سبیون قیدی، سبھی قیدی کو کہتے ہیں سین سے، اور سبھی سواد سے بچے کو، جیسے شایان داڑھی والے بچے، بزرگ بچے ہیں. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قتال بھی کیا اور ان کو قیدی بھی بنایا، ہاں، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ، پیچھے یہ گزر چکا، اس کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بنو حنیفہ سے قتال کیا، بنو حنیفہ قبیلہ بنو حنیفہ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ الْإِسْلَامَ، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کی گواہی دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہاں، اور مسلمان ہونے کا، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. کتنی کلیئر بات ہے، اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی. یہ یمامہ کے جھوٹے نبی، مدعی نبی، مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے والے جو لوگ تھے، پہلے گزرا نا کہ ساری چیزیں اگر ایک آدمی مانتا ہے، اس واقعے کے تناظر میں وہاں شیخ محمد الوہاب نے سوال کیا تھا کہ ان سے ہی پوچھا جائے، ان کے علماء سے پوچھا جائے، کہ ایک آدمی دین کی ساری باتوں کو مان رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے، جنت جہنم آخرت باعث قرآن حدیث فرشتے تقدیر سب کو مان رہا ہے،
नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, सब करता है, लेकिन वो ये कहे कि फला आदमी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबूवत के बारे में ये कहे कि वो नबी, उसको भी मैं नबी मानता हूं, क्या फतवा है? यहाँ इफ्ता का कोर्स किए बगैर भी चलते फिरते सड़क छाप मुफ्ती भी बोल देगा कि वो काफिर है, यानी उलमा के साथ अवाम का भी इत्तेफाक है, हालांकि अवाम के इत्तेफाक को रसम बोलते हैं, लेकिन चूंकि अवाम और उलमा दोनों का, इसलिए कहेंगे मैं समझता हूं कि हर दीन जानने वाले मुसलमान के यहाँ इसमें फैसला करने में देर नहीं लगेगी, जो ये कहे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आपके बाद किसी को नबी मानेगा वो काफिर हो जाएगा, एकदम क्लियर। अब एक आदमी सब कुछ माने, वहां बहुत प्यारा सवाल किया था, मैं उसको याद दिला रहा हूं, यहाँ की इबारत छोड़ के जो पीछे गुजर चुकी है, मोहम्मद रज़वाब ने कहा था कि रिसालत ज्यादा अहम है कि उलूहियत? उलूहियत, हालांकि इसके बगैर वो काट नहीं सकते हम, लेकिन दर्जात के एतबार से एक आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का हक और मकाम किसी दूसरे को देता है तो आप कहते हो काफिर हो जाएगा, लेकिन आए एक आदमी अल्लाह का हक किसी दूसरे को देता है तो आप क्या बोलते हो कि नहीं चलेगा? आप बुजुर्गों को, औलिया को, सालेहीन को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, हजरत ईसा को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी और पीर वली को अगर अल्लाह का हक देते हो तो आप उससे बड़े मुजरिम हो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक किसी दूसरे को दे के उसको नबी मान रहा है तो आप अल्लाह का हक किसी दूसरे को देकर इलाह मान रहे हो, जिससे आप दुआ करते हो, इस्तेगासा करते हो, जिसके नाम की नजर व नियाज कर रहे हो, आप उसको अल्लाह का दर्जा दे रहे हो, लेकिन ये बहुत से लोग समझते नहीं है, ये अजीब व गरीब हमारे यहाँ माहौल है कि बड़ी बुराई को लोग बुराई नहीं समझते। अभी मैं वो सोलमी साहब सऊदी अरब के आलिम है, उनके एक किताबचे को देख रहा था, जिक्र कर दूं उसको बीच में, तौहीद की अहमियत मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद मैं इससे पहले कभी बयान किया हूँ, उन्होंने जिक्र किया कि वो किताब तौहीद पढ़ाते थे, तौहीद पर बहुत जोर देते थे उस्ताज, एक उस्ताज का वाकया निकल गया, सर सही वाकया, मुझे तो यही लगा कि सही है, तो उन्होंने एक दिन बच्चों ने कहा कि शेख आप तौहीद को बार बार बयान करते, कोई दूसरा मसला छेड़िए बात कीजिए, हमारे यहाँ भी कुछ लोग बोलते हैं ना क्या तौहीद 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 बार बोलते हो, कि अहले हदीस तो इसी पे लगे रहते, तो उस वक्त तो उन्होंने खामोशी अख्तियार की। दूसरे दिन दर्स में जब आए तो बोले बच्चों मेरे सामने एक वाकया पेश आया है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अभी कभी किसी ने खबर दिखाया, वो क्या, एक आदमी नया घर बनाया, जब नए घर में जाने लगा तो उसको किसी ने बताया कि आपके इस घर में जिन का बसेरा हो गया, जिन इसमें टिका हुआ है, वो आपको तकलीफ दे सकता है, तो उसने जिन के नाम से घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर जिन के नाम से एक जानवर जबह किया, बकरा जबह किया, ताकि उसका तकर्रुब हासिल करे और जिन उसको तकलीफ ना दे, ऐसा वाक्य अभी मैंने सुना। तो ये वाक्य सुनने के बाद बच्चों में कोई खास रद्द अमल नहीं आया, अच्छा अच्छा ऐसा वाक्य हुआ, ठीक है बात चली गई। दूसरा दिन हुआ, कहा कि आज दूसरा वाक्य मेरे पास आया, उस्ताद ने कहा, कहा वो क्या, कहा एक आदमी ने घर वर बनाया, खुशी में उसने अपनी माँ के साथ जिना किया, अपनी माँ सगी माँ को उसने बीवी की तरह इस्तेमाल किया और उसकी हुरमत को पामाल किया, तो बच्चे लगे गाली बुरा बोल देने, बुरा भला बने के, बहुत खसीस और कमीना आदमी ऐसा है, इतना बुरा है, उसकी मजम्मत करने लगे, उसके शान में खूब उल्टे सीधे बातें करने लगे। उस्ताद ने सबकी बात सुन ली तो उसके बाद कहा कि एक बात बताइए कि कल जब मैंने आपको बताया कि उसने जिन के नाम पर जानवर जबह किया तो क्या आप लोग इतना गुस्सा हुए थे जितना आज हो रहे हो? नहीं, इसने इतनी बड़ी बुराई की। हैरत की बात यही है, सोचो कि जो गुनाह इसने किया यकीनन बड़ा गुनाह है, माँ के साथ उसने जिना किया, लेकिन ये बड़ा गुनाह, इंतहाई खतरनाक गुनाह होने के बावजूद इसको करने वाला इस्लाम से खारिज नहीं हुआ, काफिर नहीं हुआ, लेकिन जिसने जिन के लिए जानवर जबह किया, मैंने आपको बयान किया, उस अमल को जायज करके उसने जायज समझकर उस आदमी ने कुफ्र किया, वो इस्लाम से बाहर हो गया, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह महफूज नहीं रहा। तो अब तुम्हारे ऊपर, तुम मुझसे ये बोलते हो कि बार बार तौहीद बयान करते हो और तुम्हारा ये हाल है
कि बड़े गुनाह पर तुम्हारी पेशानी पे बल नहीं आया और छोटे गुनाह पर तुम चीख चिल्ला रहे हो उसके मुकाबले। तो हमारे यहां एक आम मामला है। अभी मैंने छोटी सी बात बताई थी ना खबर, इससे पहले दुरुस में भी जिक्र किया कि क्लिप आई थी कि एक साहब कह रहे थे तहरीकी जिनको सऊदी फूबिया है, फूबिया हाँ अरब फूबिया, सऊदी अरब फूबिया तहरीकियों को गलती से बोल दो कि वो ऐसा, मैंने सुना है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है जुआ खेल रहा था, तो पहले उस पर 8-10 पोस्ट कर देंगे, उसके बाद मालूम करेंगे सही है कि गलत है। हाँ तो कहाँ से मैंने कहा ये, हाँ उसने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान आए तो उन्होंने गांधी धाम पे हाजिरी नहीं दी, लेकिन एक लेडी वजीर आजम या राष्ट्रपति जो भी थी किसी मुल्क की, उससे मुसाफा कर लिया। तो वो अल्लामा लिखता है भाई हाउलाइल जो हाल, वो लिखता है कि वो गांधी के मकाम पे चले जाते ये ठीक था, उनको हाथ नहीं मिलाना था किसी लेडी से। बताइए क्या बताएंगे, ये उनकी दीन पसंदी, इस्लाम पसंदी, इकामते दीन के नारे के पीछे की ये काबिलियत है कि उन्हें इतना भी शऊर नहीं है कि कौन सा गुनाह बड़ा है, अकीदा कौन सा है और अमल कौन सा है। ये बोल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी काबिलियत को बताना था। हाँ कुछ लोग अपनी जहालत पर भी फख्र करते हैं, हाँ ये जहालत पर फख्र के जैसा है, मुजाहरा है। ये उन्हीं का है कि नहीं पता नहीं, वो अलग है। हाँ वही है। खैर ये हम लोग किताब की तरफ आए, शेख मशाइख तवज्जो दीजिए, यानी ये जो बातें हमने जिमनन की हैं इससे आप इस मसले की नजाकत और अहमियत बल्कि संगीनी का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में इस दर्स की, इन असबाक की कितनी जरूरत है, और ये जानने की हमें और आपको भी दिमाग में रखने की कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं दीन की बातें, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो दीन या अकीदे के तकाजे के बिल्कुल मुखालिफ है, तो एक चीज का इर्तिकाब करने से भी, सारे दीन पर अमल करने के बावजूद हम इस्लाम के दायरे से बाहर हो सकते हैं। इनके दिमाग में यही शुबा था जहां से हमारी बहस शुरू हुई थी कि ये कहते हैं कि आप हमें कुफ्फारे मक्का की तरह काफिर कहते हो, मुशरिक कहते हो, जबकि कुफ्फारे मक्का कुरान को नहीं मानते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, आखिरत को फिर तो दोबारा जिंदा किया जाएंगे इसको नहीं मानते थे, नमाज रोजा नहीं करते थे। हम तो ये सब करते हैं ना, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, कुरान को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, तकदीर को मानते हैं, फिर हम और वो कैसे एक जैसे हुए? तो उसी का जवाब चल रहा है कई सफात से, हाँ कि एक चीज का इंकार करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर करार दिया, मजाक के तौर पर कलमाए कुफ्र करने से काफिर करार दिया, ये सहाबाए किराम बनू हनीफा के लोगों ने सिर्फ सब कुछ मानने के बावजूद एक गैर नबी को नबी मान लिया, इसमें किसी उम्मत के आलिम का, यहां तक के जाहिल का भी इख्तलाफ नहीं है कि वो काफिर हो गए। सहाबाए किराम ने उनसे किताल किया, तो वही कहा कि हम इन जाहिलों से, नादानों से ये कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद अल्लाह के रसूल ने यहूदियों को मुसलमान नहीं माना, उनसे किताल किया, जब वो कैदी बनकर आए तो कैदी बनाया। सहाबे कराम ने बनू हनीफा के लोगों से किताल किया जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी गवाही देते थे, नमाज पढ़ते थे, दीन की सारी दूसरी बातों को तकरीबन मानते थे, सिर्फ एक गलती की थी कि मुसैलमा कज्जाब को जो नबी नहीं था नबी मान लिया, तो सहाबे कराम ने उनसे किताल किया। तो अब ये सवाल आपका सहाबे कराम से किया जाए, अरे तुमने कैसे उनको काफिर समझ लिया, कैसे जंग कर ली, दूसरे काफिरों की तरह ट्रीट कर रहे हो? वहाउलाइल जहला, आगे शेख ने कहा, माफ कीजिए अभी वो बाकी है, वह कजालिक लदीन हर रकहुम अली इब्न अबी तालिब, इसी तरह से वो लोग भी थे जिनको हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जला दिया। ये भी वाकया पीछे गुजर चुका, जलाना उनका सही नहीं था, लेकिन हजरत अली और तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफिक थे कि उन्होंने हजरत अली के अंदर जो अल्लाह को माना कि हजरत अली ही हमारे मालिक है, रब है, तो ये ऐसा कुफ्र था कि उसकी वजह से उनको कत्ल करना बिल्कुल जायज और सही था, उन्हें समझाया नहीं माना मार दिया।
हते अली ने खड्डे खोदवा के आग जला के उसमें डलवाया। हते इब्ने अब्बास ने कहा कि जलाना तो सही नहीं है लेकिन मैं उन्हें कत्ल कर देता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन लोगों को जलाया वो इस एक चीज को कि हजरत अली को अल्लाह मान लिया, इसके अलावा पूरे इस्लाम को मानते थे कि नहीं मानते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देते थे और दूसरी चीजें। तो इस बुनियाद पर जब सहाबा ने उनको काफिर समझा और काबिले कत्ल माना, तो फिर आज कोई शख्स अगर किसी साहेब कब्र को अल्लाह के बराबर करार देता है, उससे दुआ करता है, इस्तेगासा करता है, नजर नियाज करता है, उसके नाम की उसके नाम का ज़बह करता है या कोई और किस्म का शिर्क अकबर करता है, तो वो कैसे इस जुमरे में नहीं होगा? क्या वो ये तसल्ली देगा कि हम ये तो शिर्क कर रहे हैं लेकिन हम कुरान को मानते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मौका मिला तो हज के लिए भी गए, तो हम कैसे काफिर? ये दिमाग से निकाल दें शेख कह रहे कि ये लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, शरीयत के बहुत सी चीजों को मानते थे, हजरत अली ने जिनको जलाया। वहा उलाइल जहालत मुकिर्रून, ये नादान लोग जाहिल लोग इस बात का इकरार करने वाले हैं कि अन्ना मन अनकर अल बाथा कफरा व कुतिला। अब ये भी फिर से गौर से पढ़िए, अगर चाहिए आप पहले पढ़ चुके हैं मगर ताजा कीजिए, कि ये भी मानते हैं, ये जाहिल भी मानते हैं कि अगर कोई शख्स, जिस शख्स ने बाद का यानी दोबारा जिंदा किए जाने का इंकार किया वो काफिर है और उसको कत्ल कर दिया जाएगा मुर्तद होने की वजह से। एक आदमी मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहता है, कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, सब करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये नहीं मानता कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, हिसाब किताब लेगा, जन्नत जहन्नम का मामला होगा, ये कैसे होगा मैं नहीं मानता। अगर कोई आदमी सिर्फ इस एक चीज का इंकार करे, क्या फरमाते हैं उलमा और गैर उलमाए दीन? काफिर होगा। तो ये जाहिल भी मानते हैं कि वो काफिर हो जाएगा और कत्ल किया जाएगा, अगर से कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे रहा हो, फिर भी अगर वो ये कहता है कि कयामत कायम नहीं होगी, दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, तो वो कत्ल किया जाएगा, काफिर माना जाएगा। अब आगे कहा वह अन्न मन जहाद शयअ मिन अरकान इस्लाम कफरा, ये भी ये जाहिल लोग मानते हैं कि अगर अरकान इस्लाम में से किसी चीज का कोई इनकार कर देवे, अरकान इस्लाम में से किसी एक चीज का, नमाज को ना माने, चलो मान रहा है, जकात को ना माने, मान रहा है, रोजे को ना माने, जो रमजान का रोजा फर्ज है कहे मैं नहीं मानता फर्ज है, एक चीज का इनकार कर दे, इसको भी मान ले, हज को ना माने, अगर एक भी रुकन का मिसाल के तौर पे सब माने और कहे कि मैं रमजान के रोजे को नहीं मानता, तो ये जाहिल भी मानते हैं कि ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा एक चीज का इनकार करने से जो साबित है रुकन इस्लाम एक चीज का। बल्कि मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि जिस चीज का हलाल हराम हो जाना, ये तो अरकान इस्लाम की बात कर रहे हैं, कुरान और हदीस से जिस चीज का हलाल और हराम होना साबित है, वाजे है, आदमी जानता है कि कुरान में है कि सूद हराम है, मिसाल के तौर पे वो अहल्लल्लाहुल बैआ वहर्रम अर्रिबा। अब इस आयत का बिल्कुल वाजे मफहूम सराहत से है कि सूद हराम है। अब एक आदमी इस आयत को पढ़ने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि अल्लाह का कलाम है, मान रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सूद को हराम नहीं मानता, अगर वो ये कहे तो काफिर हो जाएगा। ये आजकल जो एक बहस चलती है तावीलन, वो एक अलग बहस होगी कि दारुल हरब में जैसे आजकल कुछ लोग निकालते हैं रास्ते, हाँ, ये दारुल हरब है, ये भी फतवा खुल के नहीं दे रहे यहाँ हिंदुस्तान में, देंगे तो भी फंस जाएंगे, यहाँ पर्दे के पीछे रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो देगा तो उसको हुकूमत की एजेंसी के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान को दारुल हरब बोल रहे हो। ये देखिए, इसको दारुल अमन दारुल हर्ब वाली बात की बजाय हम ये कहेंगे कि इस्तिरार, यानी मजबूर जब आदमी होगा तो वो एक फिक्र में एक उसूल आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि अज़रूरात तो बिल्कुल मजबूरात, कि जरूरतें, जरूरतों से मुराद यहाँ वो जरूरत जिसको हम मजबूरी कहेंगे, बस मेरा दिल हो रहा है तो मेरा जी चाह रहा है तो जरूरत हो गई, ऐसा नहीं है, वरना कौन कौन किसको किसको हलाल कर लेगा मेरा दिल हो रहा है यार हाँ, तो वो जरूरतें जिसको हम मजबूरी का नाम देंगे, वो ऐसी चीजों को जिसके बगैर चारा ना हो वो हलाल हो जाती है, ये हम पढ़ते रहते हैं,
जान जा रही है तो जान बचाने के लिए किसी हराम चीज को खा ले, सुअर है या मुर्दार है, इतनी मकदार में कि आपकी जान बच जाए। तो ये एक इस्तिरार वाली कैफियत। तो अब ऐसी शक्ल जहां भी आ जाए कि आपके लिए चाराए कारना, और उसमें भी उसूल है शरीयत के, एक मसलहत है एक मजरत है, यानी एक में फायदा है एक में नुकसान है, या दो फायदा है या दो नुकसान है। तो मैं इससे पहले बयान कर चुका हूं, ये बहुत अहम चीज है कि आप वहां फैसला करके किसको चॉइस करेंगे। एक तरफ आपका कुछ पैसे का नुकसान हो रहा है, एक तरफ जान जा रही है, तो वहां आप आसानी से फतवा दे सकते हैं कि बड़ा नुकसान कौन है, इसलिए पैसा कुर्बान करके जान बचाई जाए। डॉक्टर आके आपको बोलता है कि भाई जच्चा बच्चा दोनों को की जान को खतरा है, अगर हम बचाने जाएं तो या तो बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को बचा सकते हैं, क्या हम कहते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चा फिर हो सकता है माँ, बच्चे का अगर मामला हो भी तो वो एक गुमान वाली बात है कि वो बचता है कि नहीं बचता है, उसका मामला क्या होगा, ये जान महफूज है और जान पहचानी है तो इसको तरजीह हासिल होगी। तो आमतौर से ऐसे केस में सब लोग ये कहते हैं कि माँ को बचाया जाए, तो वो यकीनी है और वो शुभ शक शुभे वाला है, बचता है कि नहीं बचता है, हो भी गया ठीक ठाक तो बगैर माँ के जो है हो सकता है कुछ दिन में वो चला जाए और वो मामला ना हो जैसे इसका मामला चलता है, इसके रिश्ते हैं ताल्लुकात हैं हुकूक हैं, ये बचेगी तो बहुत सारे हुकूक की अदायगी होती है, अभी उसके वो हुकूक मुतय्यन नहीं हुए हैं, ऐसी कई चीजें बयान की जा सकती है। तो इस तरीके से जब हम सामने रखते हैं, मुबारक आपके सवाल पर डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा आप बहरे तफक्कुर में गर्क है तो अभी सुनिए पहले फिर डूबिए। तो इस तरीके के तरजीही पहलुओं को देखते हुए और फिर वो जो आपने सवाल उठाया, आपने क्या किया था कि दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, तो वो दारुल हर्ब में भी बाज मरतबा ऐसी कुछ शक्लें हो सकती हैं कि आदमी को मजबूर कहा जा सकता है, कुछ चीजों में इस तरह की बात आती है, लेकिन कुछ दो चार मसाइल ऐसे हैं जिसमें मुझे इत्मीनान नहीं होता, लेकिन कुछ उलमा उसको जायज कहते हैं, मैं बाद में जिक्र करूंगा, अभी करूंगा तो आप लोग बोलेंगे जवाब दीजिए और जवाब देने जाऊंगा तो टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। कभी आप छोड़िएगा, मैं उनवान बता दूं, पूछना नहीं, झंडे को सलामी देना और इस किस्म की कुछ चीजें जो बराह रास्त तौहीद से टकराती नजर आती है। हमारे यहाँ कई गवर्नमेंट सर्वेंट स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि हमको अगर उनके प्रोटोकॉल का उसूल जाब्ते का ख्याल करना हो तो करना पड़ता है। एक साहब का फोन आया था मुझे, वो बराह रास्त आर्मी में थे मुस्लिम, तो उन्होंने कहीं पढ़ लिया सुन लिया, पूछते पाछते बोला कि यार मुझे पता चला कि अकीदे के मामले में आप का वो होता है, मैंने किली गुली भी सुनी तो मुझे लगा कि आप, तो बड़ा लंबी चौड़ी गुफ्तगू की थी मैंने उससे, आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कह रहे हैं जो शख्स अरकाने इस्लाम में से, जो शख्स जो है बाज का इंकार करे वो काफिर होगा चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो, और जो शख्स अरकाने इस्लाम में से किसी एक चीज का इंकार कर दे वो काफिर होगा। ये मोहम्मद वहाब की इबारत यह है कि ये जो हम पर इतराज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हजरत उसामा ने से अल्लाह के रसूल ने इतराज किया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है वो जान माल में बचा लिया, उनको जवाब देते हुए कह रहे हैं कि तुम खुद ये कहते हो कि एक आदमी कयामत का इंकार करे तो वो काफिर हो जाएगा, अरकान इस्लाम में से किसी एक रुकन का इंकार करे काफिर हो जाएगा, तो ला इलाहा कह रहा है तो अब आपकी वो दलील कहाँ गई। फिर आगे कह रहे हैं तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा अगर से वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो। फकैफा, आगे के जुमले का तर्जुमा बहुत गौर से सुनिए, फकैफा ला तनफअहु इजा जहादा शैअ मिन अल-फुरू व तनफअहु इजा जहादा तौहीद अल्लज़ी हुवा अस्लु दीनिर रुसुल। तो कह रहे हैं कि तो कैसे ये ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को फायदा नहीं पहुंचाएगा जबकि वो फुरू में से किसी चीज का इंकार करे, और उसे फायदा देगा जबकि वो तौहीद का इंकार करे जो कि रसूलों के दीन की असल और बुनियाद है। हाँ असलुद्दीन है असलुद्दीन रसूल व रासहु वलकिन आदा अल्लाह मा फहमू मानल अहदीस वलम यफहमू, लेकिन ये अल्लाह के दुश्मनों ने इन हदीसों का माना समझा ही नहीं और ना ही समझेंगे, वलैया फामू कह रहे हैं, समझना चाहते ही नहीं ना इसलिए समझेंगे नहीं। अब सोचिए इधर देखिए शेख मधुर साहब की जो आखिरी दो दो लाइन का मैंने तर्जुमा किया, आपको समझा क्या मतलब हुआ? एक असल बुनियाद जो है
हाँ बाकी हर चीज उसकी ब्रांचेज, एक ब्रांच के इंकार के लिए आदमी काफिर हो सकता है, और जो असल है क्या वो बात, चाहिए माशाल्लाह, होता बारकअल्लाह फिक, सबकी समझ में आ गई। यही है। कहना चाह रहे हैं कि आप खुद सोचो, आप खुद फतवा दे रहे होगे कयामत का इंकार, रोजे का इंकार करने वाला काफिर हो जाएगा, ला इलाहा कह रहा है, मोहम्मद रसूलल्लाह पढ़ रहा है और नमाज पढ़ रहा है, तो आप खुद कह रहे हो सिर्फ रोजा नहीं माना तो काफिर। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप कब्र पे जाके किसी बुजुर्ग के नाम की इबादत कर रहे हो, नियत में कर रहे हो शिर्क, तो ये शिर्क अकबर हुआ। तो जब रोजे का इनकार करके काफिर हो जा रहा है, आप खुद कह रहे हो, तो तौहीद का इनकार करके आप काफिर क्यों नहीं हुए? यकीनन होंगे। और ये जो हजरत उसामा और दूसरी हदीसें बताई है, ये इसके मुनाफी नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में ये चीजें शामिल है। आपने शुरू में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह की 7 शर्तें हैं, उनमें से एक इल्म भी है, उनमें से एक इनकियाद भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों पर अमल किया जाए। अब अगर किसी ने शरीयत से साबित शुदा किसी चीज का रुकन का इनकार किया, तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया। इसमें जो फुरू है यानी ईमान फुरू के असल के मुकाबले में, ईमान बिल जुमला से बात करेंगे तो उसमें असल तौहीद है और बाकी चीज उसके फुरू में से, ऐसा है। एक दो है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सिर्फ तौहीद ही नहीं, अकीदे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि लफ्ज अकीदा जो इस्तेमाल किया जाता है वो चीज है अकद, गांठ बांधना, तो जिन चीजों पर दिल को यकीन हो। हाँ, हम शरीयत के इस्तेमाल में उन चीजों को जो अल्लाह और रसूल ने यकीन और एतमाद की बातें की खबर दी है, उनको दिल से मानना, ये अकीदा मैंने अपने अल्फाज में कहा। अब इस अकीदे की कई शक्लें हैं, बाज मरतबा तौहीद के मुतरादिफ के तौर पे लफ्ज अकीदे का इस्तेमाल होता है, और बाज मरतबा अकीदे को वास्ट कुशादा माना में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसमें अल्लाह पर ईमान के साथ साथ बकिया गैब से मुताल्लिक जितनी भी ईमानियात हैं वो भी शामिल है। उनमें 6 बुनियादें हैं, ईमान बिल्लाह के साथ, मलाइका, आखिरत, कुतुब, रसूल और तकदीर। बाकी जो चीजें गैबियात में आती हैं वो इनके ताबे हैं। तो अकीदा जब लफ्ज बोला जाता है तो ये सारी चीजें जो जिसको हम ईमान बिल गैब से ताबीर करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ लोगों के लिए वो गैब नहीं है, हमारे लिए गैब है। जैसे हाँ, जी चलिए, तो नबी की बात है, नबी का तो बहुत सा मामला ऐसा होता है। बहुत अच्छे सहाबाए कराम ने अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, समझा, जाना, आपके हाथ के बहुत से मुजजात रूबरू देखा, हमने देखा नहीं है। तो उन्होंने जो देख के माना, हम बगैर देखे मान रहे हैं। अब सहाबाए कराम के लिए भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, जो पुराने अंबिया और उनके वाकयात हैं गुजरे, जो कुरान हदीस उसको मानते हैं, तो ये गैब पर ईमान हुआ। तो बाज़ नाहियों से कुछ चीजें इस तरह की हल्की फुल्की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो गैब गैब ना हो, लेकिन कुछ नाहियों से। तो हम जो गैबियात से मुतालिक बात करते हैं वो अकीदे की है। मैं आपको बता रहा था कि अकीदे के कई नाम हैं, पुराना सबक है, शुरू में शायद मैंने बताया था। एक उसको अल-फिक्हुल अकबर कहा जाता है, फिक्हे अकबर पढ़े हो ना? नहीं, ये हजरत इमाम शाफई ने सबसे पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद अहनाफ के यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, इमाम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का एक रिसाला है 11 पेज का, उसका नाम अल-फिक्हुल अकबर है। लेकिन कहते हैं कि ये शायद बाद में नाम दिया गया या उन्होंने रखा, लोग कहते हैं कि अल-फिक्हुल अकबर इमाम शाफई ने पहले इस्तेमाल किया, लेकिन बहरहाल इमाम हनीफा की किताबचे का नाम भी है। तो उन्होंने अल-फिक्हुल अकबर जिसे कहा वो क्या है? अकीदा। इसका मतलब जो अकीदे के अलावा है वो क्या है? अल-फिक्हुल असगर, यानी नमाज, रोजा, हज के जका के अहकाम, मसाइल। और आजकल हिंदुस्तान में अवाम, तो अवाम तलबा और बहुत सारे उलमा, जब फिक्र बोला जाता है तो क्या समझते हैं? मसले मसाइल नहीं, मसले मसाइल तो है ही हैं, लेकिन वो फुरू के बारे में आपको हैरत होगी, यानी अजीब, यानी कम इल्मी है कि हमारे असलाफ में एक तबका गुजरा है जिसने अस-सुन्ना और अल-फिक बुनियादी तौर से अकीदे को कहा। अस-सुन्ना अकीदे को कह के सलफ का कुरान जिसका अकीदा पेश किया, किताब अकीदे की किताब है, और नाम रखा अस-सुन्ना, जैसे खल्लाल की है, इब्न अबी आसिम की है, इमाम अहमद की है, शरहुस सुन्ना। हाँ, तो
ये उनकी किताबें सुन्ना के नाम से है, जिसमें उन्होंने अकीदा बयान किया, और वो ये तनाजुर में कि इस सुन्नत वाले अकीदे से हट के जो बदअकीदगी इख्तियार की गई है वो बिदत है, और अकीदे की बिदत से फिरका बनता है, गुमराही आती है। अमल की बिदत से आदमी के अंदर गुना आएगा, लेकिन अकीदे की बिदत से कुफ्र, शिर्क और मनहज से बरगश्तगी, इनराफ, और आमतौर से जितने फिरके बने हैं मुसलमानों में वो अकीदे की बिदत से ही बने हैं, अकीदे के सिलसिले में गलत उसूलों की बुनियाद पर बने हैं। जिसने गलत अकीदा इख्तियार किया, गलत उसूल बनाया शरीयत में, उसने नया फिरका बना दिया, समझ रहे हैं, वो हवा परस्ती है। तो अल फैकुल अकबर के अलावा जो आपका सवाल है उससे कनेक्टेड चीज आखिर में आ रही है कि अकीदे को उसूल दीन भी कहा जाता है। तो उसूल दीन की बुनियादें, दीन की बुनियादें, अब जो अकीदे से मुतालिक चीजें हैं वो सब उसूल है, और अकीदे के मुकाबले में जो बाकी अहकाम और मसाइल हैं, वो चाहे नमाज के अहकाम हो, हज के हों, रोजे के हों, कोई भी हो, वो अकीदे के मुकाबले में क्या है, फुरू है। अब हम एक और अहम यहां नुकता, जो आज के माहौल में जब हम एक को असल और एक को फुरू कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि फुरू की हमारे नजदीक कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाजिब मलजूम है ना। अगर आप फुरू में गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आपकी असल सही नहीं है। असल सही होगी तो फुरू भी सही होगा। हाँ, जड़ में जितनी खामी आएगी उतनी शाख में भी आएगी। खैर, तो ये जो आपका सवाल था कि फुरू और बुनियाद असल, और हमने जो समझा कि जाहिल लोग ये समझ, ये तो समझते हैं कि फुरू में से किसी चीज का इनकार करें, यानी अगर कोई रोजे का इनकार कर देवे तो काफिर होगा, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि एक शख्स जब कब्र पे जाके साहेब कब्र को पुकारता है, उसकी उससे इस्तगासा करता है, तो वो अपनी तौहीद का इनकार कर रहा है, मिलावट कर रहा है शिर्क में, और अल्लाह का हक गैर अल्लाह को दे रहा है। तो उसे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा करने वाला रोजे के इनकार करने वाले से बड़ा मुजरिम है, नबी सल्लम के अलावा किसी और झूठे नबी को नबी बनाने वाले से बड़ा मुजरिम है, ये उसकी समझ में नहीं आता, इसीलिए बार बार कहा कि ये जाहिल लोग। अब ये हाँ जी, हाँ आप लोग कुछ कह रहे थे, इतराज मसाइल में, जैसे आपका अकीदा मेरा अकीदा एक ही है, मनहज एक ही है, तो अब मसाइल में जब इख्तिलाफ होगा तो तफर्रुक, फिरका बंदी नहीं होगी, राय का इख्तिलाफ होगा। सहाबा कराम में इसी किस्म का इख्तिलाफ हुआ जो हुआ, उसकी वजह से मस्जिदें अलग नहीं हुई, धारे अलग नहीं हुए, ये फतवे नहीं दिए कि आपकी मस्जिद हमारी मस्जिद अलग, ये हमारे घर की बच्ची की आपके घर के बच्चे से शादी नहीं हो सकती, ऐसे फतवे वहां नहीं चले जैसे अब चले। मैं वही कहने जा रहा था, जैसे अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे अहले हदीस उलमा हैं, अहले हदीस उलमा में दोनों अहले हदीस हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इख्तिलाफ है। आदमी फासिक को फाजिर और गुनहगार होगा, वहां तफर्रुक नहीं होता। अगर अकीदे में लोग एक हैं, तो फर्ज कीजिए मैं और आप एक अकीदे के हैं, अब आप रुकू के बाद नियत बांध लेते हैं मैं नहीं बांधता, तो मैं आपसे लड़ाई करता हूँ क्या? ये हमारे दरमियान अभी कई लोग ऐसे हैं अहले हदीसों में जो पूरी दुनिया का एक चांद कहते हैं, बात करेंगे तो पता नहीं कहाँ साइंस और ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में साइंस और साइंस में हिसाब डाल के वो नए नए फलसफे लाते हैं, मैं उसको गलत मानता हूँ, लेकिन इस बुनियाद पे क्या हमारे यहाँ तफर्रुक है? कहीं कहीं है, वो वैसा नहीं है, यानी इसको एज अ होल हम ये नहीं कहेंगे कि ये इन्होंने इसको, लेकिन अगर उन्होंने उसूल बना लिया, इसको उसूल बना के किसी बिदत की बुनियाद पर उसको अहले सुन्नत से अलायदगी का जरिया बना लिया, तो भी वो उसी में आ जाएगा। तो अब उनका वो मसला मानना उतना बड़ा गुना नहीं है जितना ये तफर्रुक को बड़ा गुना है। छोटी चीज को बुनियाद बना के मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करना, ये इख्तलाफ ज्यादा बड़ा गुना है। अभी मैं मसलहत और मफसदत की बात कर रहा था, आपने बारहा सुना है, कहते अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते थे कि मीना में जो है हज के हाजी को जो है कसर करनी चाहिए, हते उस्मान से बहस की, हते उस्मान ने कहा मैं अपने आप को मुकीम समझता हूँ, पूरी नमाज पढ़ूंगा, हते अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा यह सुन्नत है कि दो रकात पढ़ो, फिर हते उस्मान ने चार पढ़ाई, इन्होंने पढ़ ली, लोगों ने कहा कि आप तो दो कह रहे थे चार क्यों पढ़े,
उनका अल खिलाफ व शक्रुन, इख्तलाफ शर है। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि दो ही पढ़नी चाहिए, लेकिन अमीर की इताअत उससे ज्यादा अहम है। अब यहाँ देखिए दो चीजें जमा हुई, सुन्नत एक एक फर्ज है कि अमीर से कटा ना जाए, एक सुन्नत है कि मीना में दो रकत पढ़ी जाए। अब दोनों टकरा गई, अगर वो दो पढ़ते तो इमाम की मुखालफत होती, अगर चार पढ़ते हैं तो सुन्नत दो रकत की मुखालफत होती। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने किसको चॉइस किया? जो ज्यादा अहम था कि जमात का इख्तलाफ जो है अगर वो पड़ जाए तो उससे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, इसलिए इस सुन्नत को अभी छोड़ देते हैं, इस पर अमल करते हैं। आप हदीसों में उसूल हदीस पढ़ते हैं, उसमें आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई लोगों को इसमें समझ में नहीं आता कि जब किसी रावी से हदीस लेने ना लेने की बहस होती है तो उसमें एक बहस आती है कि बिदअती से नहीं लेंगे। अब उसमें आप जब डिटेल में जाएंगे तो बाज़ मुहद्दिसीन बिदअती बिदअती में फर्क करते हैं, उसमें एक फर्क ये कहते हैं कि बिदअत मुकफ़रा और बिदअत गैर मुकफ़रा, मुफस्सिका कह लीजिए। एक वो बिदत जो आदमी को फास, जो अभी मैंने अकीदा और अमल वाली बात कही ना हाफिज जावेद साहब, वो यही है, वो बिदत जो आदमी को फासिक बनाती है, यानी उस बिदत के करने से आदमी इस्लाम से बाहर नहीं होता, काफिर नहीं होता, लेकिन बिदत ही है, अमली बिदत। और एक बिदत वो है जो आदमी को काफिर बना देती है, मुशरिक या काफिर के दर्जे में लेके चली जाती है, ये मुकफ्फिरा है, यानी इंसान को काफिर बना देने वाली बिदत। जितने भी कुफ्र हैं, जितने भी शिर्क है, सब बिदत है। नोट दिस पॉइंट, क्योंकि वो दीन के बाद नई चीज है ना। अब वो बिदत कभी कुफ्र के दर्जे की होती है, कभी कुफ्र और शिर्क के, कभी उससे कम दर्जे की, कभी कबीरा गुनाह के दर्जे की। तो अगर अमली बिदत है जिससे अकीदे में फर्क नहीं पड़ रहा है तो आदमी फासिक होगा, और अगर ऐसी बिदत है जिससे अकीदा बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो काफिर और मुशरिक हो सकता है। वाजे बाज रावियों के कबूल में इसका फर्क करते हैं। बाज आप ये भी पढ़ते होंगे कि एक वो बिदती है जो अपनी बिदत की तरफ दावत देता है, एक वो जो दावत नहीं देता। ये फर्क क्यों रखा कि दावत देने वाला जब अपनी बिदत का दाई है तो इस पर एक बात ये होगी कि वो दावत देते देते अपनी बिदत की तरफ दावत देगा, और जो बिदत की तरफ दावत देने वाला होगा वो हदीसों में गड़बड़ कर सकता है, अपने मसलक को सही और सही को गलत साबित करने के लिए कुछ इधर उधर हेर फेर कर सकता है। जैसा कि आम तौर से अहले बिदत के जितने भी तबकात हैं, कोई भी मसलक ले लो अहले हदीस के अलावा, जो जितना बड़ा बिदती है उतना बड़ा हदीसों को बयान करने के सिलसिले में वो खयानत करता है। नोट दिस पॉइंट आल्सो, बहुत अहम है भाई। एक चीज को मैं मानता हूं, जैसे खवारिज और रवाफी, खवारिज और मोतजिला ये कहते हैं कि एक आदमी ने गुनाहे कबीरा किया तो इस्लाम से खारिज हो गया, वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेगा। मतलब उनके यहां गुनाहे कबीरा कुफ्र का बाइस है, और ऐसा करने वाला खारजी कहते हैं वो काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। मुतज़िला कहते हैं इस्लाम से निकल जाता है, काफिर कुफ्र काफिर भी नहीं होता, लेकिन दोनों मानते हैं कि जहन्नम में हमेशा रहेगा। अब जब वो ये मानते हैं तो वो सारी हदीसें, वो सारी कुरान की आयतें जिनसे ये साबित हो कि उनका ये उसूल गलत है, एक गुनाह करने वाला जिसने कबीरा गुनाह किया भी वो जहन्नम से बचकर जन्नत में जा सकता है, या जहन्नम में जाने के बाद जहन्नम से निकाल कर जन्नत में जा सकता है, इस बात को बयान करने वाली जितनी हदीसें सबका वो रद्द करते हैं, क्योंकि उनकी बिदत इससे रद्द हो रही है ना। तो ऐसे आप देखेंगे जितने भी बिदती, अब जैसे हमारे यहाँ पे जो तकलीदी मजाहिब है, अब अहले हदीस का और हनफी का एक बड़ा झगड़ा होता है इमाम के पीछे सूरह फातिहा। अब जब वो नहीं मानते कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, तो उसका नतीजा हमको ये नजर आता है कि इस सिलसिले की जितनी हदीसें हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि इनको इस तरह साबित किया जाए कि ये हदीसें काबिल हुज्जत नहीं, रद्द करने की कोशिश करते हैं खींचतान के, और इस सिलसिले में तजादात का शिकार होते हैं। कहीं ऐसे रावियों पर भी जब उनके खिलाफ वाली रिवायत आती है तो जिस रावी पे तनकीद करते हैं वही रावी अगर ऐसी कोई रिवायत बयान करता है जो उनके मसलक के मुआफिक है तो उसको कबूल कर लेते, पैमाने बदल जाते हैं। ये देखिए अहले बिदत का ये शियार और तरीका है, अहले सुन्नत का या अहले हदीस का ये नहीं है। मोहम्मद बिन असाक को वो जो फातह खलफल इमाम वाली जिन रिवायतों में है वो उस पर खूब खूब काबिलियत का मुजाहरा करते हैं, ये ऐसे थे मुदल्लिस थे और ये आना आना से है और ये इनकी ताइद नहीं है, जबकि गलत बात है।
उनके अलावा से भी रिवायत है। मौलाना सनाउल्लाह अमरत सरी रहमतुल्लाह शेख हनफी का फातह खलीफा वाले मामले में नाजरा हुआ, मैंने पढ़ा, मतलब वो पूरी तफसील नहीं है, इतनी इतनी तफसील तो है, गालिबन दाऊद राज साहब ने नकल किया। तो मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई आप दावा करते हो कि पढ़ना चाहिए, तो लोगों ने कहा हदीस पेश करो, तो उन्होंने एक हदीस पेश की। वो हदीस भाई कि मेरे पीछे तुम कुछ पढ़ते हो माली, हाँ तो कहा कि मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो, मुझे इसीलिए खलजान हो रहा था, तुम मेरे पीछे जब रहो तो कुछ ना पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, इसलिए के उम्मुल कुरान के, इसलिए कि उसके बगैर नमाज खिदाज है, खिदाज है, खिदाज है ना। तो मौलाना सनाउल्लाह ने यह हदीस पेश की, बैठे तो वो जो हनफी आलिम था खड़ा हुआ और उसने कहा कि इसमें इस हदीस की सनद में जो है मोहम्मद बिन इसहाक है, उनके बारे में इमाम मालिक ने ये कहा, उनके बारे में इमाम फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, फला ने, खूब लंबी तकरीर की। तो जब कर ली उसने, मौलाना सनाउल्लाह सरी ने अपनी जगह खड़े होकर कहा कि जो रिवायत मैंने पेश की है वो नसई की है और उस सनद में मोहम्मद बिन इसहाक है ही नहीं। अच्छा नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं पेश की जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक थे? ये तो फिर भी बर्दाश्त है। एक देवबंदी आलिम का लिखना था कि जो साहबी उस हदीस को बयान करते हैं अबू हुरैरा और यही थे, उस अबू हुरैरा के अलावा इस हदीस को और भी एक साहबी बयान करते हैं, उस बंदे ने उस साहबी को मुदल्लिस बोला, साहबी को मुदल्लिस बोला। आप साहबी को मुदल्लिस की बात कर रहे हैं, इस सिलसिले में उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा है। एक तरफ हाँ हत्या अनस और हत्या अबू हुरैरा को कहते हैं कि गैर फकीह, हत्या वाइल इब्ने खुजर जो रावी है रफुल यदैन है, आखिर आखिर में यमन के शहजादे थे, कहते हैं कि देहाती गवार थे, इन्होंने लिखा है किताब में नाज़ुबिल्ला, जबकि वो यमन के शहजादे की हैसियत शहजादे थे, कहा कि अरे वो जाहिल और गवार थे। मतलब मैं वही मैं बयान करना चाह रहा था कि जब ओ, क्या नाम है जब मसलक के खिलाफ जो अहले बिदत का ये शियार और तरीका है वो इस पे मजबूर है कि जो सही दलील भी उनके खिलाफ होती है उस सही को गलत साबित करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाते और फिर उस पे एक तरफ सही को रद्द कर देते हैं और उनकी ताईद करने वाली जईफ से जईफ आ जाए ले लेते हैं। हमारे मालेगांव में कुछ लोग तहकीक कर रहे थे, कई नौजवान आज वो अहले हदीस हो गए, तीन चार लोगों का है, बड़े बड़े घराने के थे वो, मालेगांव में वो जो हिलाल एंड कंपनी थी जमीयत जमातुल मुस्लिमीन, और बहुत शोहरा हुआ था उल्टे सीधे वो पाकिस्तान के गरवी के एतराजात लेके वे खास चाल चलते थे कि मुद्दई मुद्दा अलग होता, बाद में बात करेंगे। तो उनके उसके पास भी जाते थे कुछ सवाल जवाब लेके और मेरे पास भी आते थे, मेरे अलावा शायद किसी और के पास भी जाते रहूं। तो कई मुलाकातों के बाद उन्होंने जिक्र किया कि हम वहां भी जाते हैं और आपके पास भी आते हैं, दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या महसूस किया था, तो उन्होंने अपने तासुरात बयान किए। बहरहाल फिर उसके बाद जब उन्होंने कुछ चीजें बताई तो मैंने उनको जवाब देते हुए पहले ही से जब उन्होंने नहीं बताया तब भी कि मतलब जब आप ये कहेंगे तो हनफी आलिम या हनफी लोग ये जवाब देंगे, उसका जवाब ये है। मैंने अपनी दलील बताने के बाद उस पर वो क्या एतराज करते हैं उसका क्या जवाब है ये पहले ही बता दिया। बोले यार शेख आपने जो जो बताया ना वैसे ही हुआ, जो बताया था आपने कि वो ये सवाल उठाएंगे वही उठाया, फिर हमने जवाब दिया तो वो यही उठाए जो आप बोले थे, फिर उनके पास जवाब नहीं था, इस तरह की बातें हुई। तो उसके बाद बताया कि भाई हम तो हदीसों को मानते हैं, ये वो ऐसा हुआ। तो तीन चार दिन के बाद एक दिन मुलाकात के बाद मैं रास्ते से गुजर रहा था, पीछे से उन्हीं बच्चों में से नौजवानों में से एक आया, सलाम किया, कहा कि वो हम लोग कल गए थे। तो बोले वो ऐसा कहने लगे कि ये अहले हदीस लोग अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, हदीस तो असल में हम मानते हैं ये नहीं मानते। तो बोले वो कैसे? बोले हमने भी पूछा, तो बोला हम तो वो लोग हैं जो ज़ईफ हदीस को भी मानते हैं, और इमाम हनीफा बोलते हैं कि मेरी राय के मुकाबले में अगर ज़ईफ हदीस भी मिल जाए तो मैं कबूल करूँ। मैंने गाड़ी किनारे करो, इसका जवाब लेके जाओ। मैंने कहा उनसे जाके बोलना कि मैंने ऐसा जवाब दिया कि आप ज़ईफ हदीस और सही हदीस दोनों नहीं मानते, आप मसलक मानते हो, अब उस मसलक को जो आप मान रहे हो उसकी ताइद में सही मिली तो वो ले लिया, ज़ईफ मिली तो वो ले लिया, उसके खिलाफ में सही भी आ जाए तो रद्द कर दिया। और उनके यहाँ खुले तौर से इतनी बड़ी जुरत मौजूद है, बहुत मशहूर है अल्लामा करखी का जुमला कि हर वो आयत जो हमारे मजहब के खिलाफ है या तो उसकी हम तावील करेंगे या मनसूख करार देंगे, हर वो हदीस जो हमारे खिलाफ है कुल्लो हदीसिन माखालफ मजहबना फहुआ
مؤول او منسوخ، وہ تعویل کی ہوئی ہے یا نسخ منسوخ مانی جائے گی یا مؤول. اس کا ناسخ بھی جائے گا؟ ارے بھائی ان کے ناسخ یہی ہے کہ ان کا مسلک ہے اس کے خلاف، بول رہے ہیں نا وہ، یہی تو جرات کہہ رہا ہوں. ہاں ایک مسلمان کو اس سے دہل جانا چاہیے کہ آپ وہ کیا علامہ اقبال کا جو مصرع ہے نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہاں وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اس طرح کا کچھ شعر ہے، مجھے شعر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتا. ہاں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. تو مولانا صفی الرحمان صاحب ہمارے استاذ رحمہ اللہ، ان کا ایک جملہ یہی علامہ اقبال کے تناظر میں اور وہ جو ان کی روش ہے اس کے تناظر میں بڑا پیارا، انہوں نے کہا کچھ مثالیں دینے کے بعد کہ فقہ ہم جس کو کہتے ہیں وہ فقہ اور سوج بوجھ قرآن حدیث کے گرد گھومنے کے لیے. ہاں ہماری جو فقہ ہے اسلامی فقہ اور صحیح فقہ کیا ہے کہ قرآن حدیث، اللہ نے قرآن حدیث کو اتارا ہے، دین قرآن حدیث ہے، تو ہماری فہم، ہمارے اصول، ہماری غور و فکر کی ساری کوششیں قرآن و حدیث کے گرد چکر لگائیں گی، اس میں غور کرے گی نا. لیکن جن لوگوں نے ایک خاص مسلک کی فقہ کو اپنا مسلک متعین کر لیا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فقہ کو اصل اور بنیاد بنا کے قرآن حدیث کو اس کے گرد گھماتے ہیں. ہمیں قرآن حدیث کے گرد گھومنا چاہیے لیکن وہ قرآن حدیث کو اپنی فقہ کے گرد گھما رہے ہیں، الٹ دیا معاملے کو. کیا آپ لوگوں نے جان بوجھ کے مجھے بھٹکایا ہے کتاب سے؟ جاننا چاہتا ہوں. ہم ہاں لیکن دور چلے گئے تھوڑا. اللہ قبول کرے. ہاں ہم لوگوں کو فائز پہنچائے دنیا اور آخرت میں اس کا. ابھی جو اعتراض نقل کیا تھا سمجھ لیجیے اس کا جواب دے رہے ہیں، چونکہ ابھی تازہ تازہ پڑھا ہے اس لیے فوراً آسانی سے دماغ میں اتر جائے گا انشاءاللہ. اگلا پیراگراف غور سے سنیے. شیخ نے فرمایا فاما حدیث اسامہ فانه قتل رجلا دعا الاسلام بسبب انه ظن انه ما دعاه الا خوفا على دمه وماله. کسی کو کافر قرار دینا لا الہ الا اللہ کے بعد یا نہ دینا، یہ جو ابھی ہم نے عنوان لگایا کہ لا الہ الا اللہ کب معتبر ہوگا کب نہیں، تو اس میں ایک پہلو ہے یہ اس بحث کا، بہت دھیان سے سنیے. کہ رہی حدیث اسامہ کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، انہ قتل رجلن ادعا الاسلام، انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا تھا. بے سبب کیوں قتل کیا؟ اس وجہ سے، اس سبب سے، انہ ظن کہ حضرت اسامہ کو یہ لگا، گمان ہوا، کیا لگا؟ کہ انہ مد دعاہ الا خوفا علی دمہ و مالہ، کہ اس شخص نے جو کلمہ پڑھا تو اس کلمہ پڑھنے کا دعویٰ جو اس نے کیا، اسلام لانے کا دعویٰ جو کیا، وہ اپنی جان اور اپنے مال کے خوف کی وجہ سے، کیا میں مارا جاؤں گا اگر میں نے کلمہ نہیں پڑھوں گا. حضرت اسامہ کو ایسا لگا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، خوفاً علی دمہ ہی، اپنی جان کے خوف کی وجہ سے اور اپنے مال کے خوف کی وجہ سے اس نے پڑھا. عبارت کلیئر ہے؟ آگے بڑھوں. والرجل اذا اظهر الاسلام وجب الكف عنه. اور اصول یہ ہے کہ ایک آدمی جب اسلام کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں تو اس سے رک جانا واجب ہے، اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہوگا. حتی یتبین، اگلا جملہ بہت غور سے، حتی یتبین منہ ما یخالف ذلک، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ایسی کوئی چیز کھل کر سامنے آئے، یتبین منہ واضح طور سے معلوم ہو جائے، کھل جائے کہ ایسی چیز جو اس کے خلاف ہے، یعنی اس کے مسلمان ہونے کے دعوے کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف. سمجھا یہ جملہ؟ اس جملے کو عام لفظ میں میں یا کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ہم مسلمان ہی مانیں گے، اس سے اس کو نقصان پہنچانا جائے جب تک کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ کہہ تو رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان لیکن اسلام کے باہر، اسلام کو مانتا نہیں، کوئی ایسی دلیل آ جائے. کہہ رہے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ، اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں شیخ محمد الباب بہت اہمیت کے حامل ہے. حضرت اسامہ پر نکیر اللہ کے رسول اللہ نے کیوں کی؟ یہ اس کا جواب ہے. یہ قبر پرست بولے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ بولا تو مسلمان ہے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اس پہ، تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، چلو سفر کرو، تو تم تحقیق کر لیا کرو، تثبت اور وضاحت کر لو کسی معاملے میں، کوئی اقدام کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں قدم. اس آیت کے بارے میں آگے شاید ہے ذکر اس کا ہے کہ یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی کوئی جماعت گزری راستے میں، کوئی کیا کہتے ہیں چرواہا یا ایسا آدمی ملا، اور انہوں نے صحابہ کو دیکھ کر سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سلام اس لیے کر رہا ہے کہ ہم اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کو چھوڑ دیں، جنگ کے حالات رہے ہوں گے. تو اس تناظر میں پھر صحابہ نے ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، جنگ والی حالت ہی میں کیوں نہیں، تو کسی کے خلاف جب قدم اٹھانا ہے تو پہلے تحقیق کر لو. اب یہاں اس آیت کو اس خاص پس منظر میں تھوڑا سا میں آپ کے دماغ کو مولڈ کر کے واپس لانا چاہتا ہوں. ایک کوئی اس پہ سوال نہیں کرے گا، دوسری طرف نہ جائیں کہ سوچئے کہ جو لوگ بھیڑ بھاڑ میں دھماکے کرتے ہیں یا ایک بھیڑ میں گولیاں چلاتے ہیں، کئی لوگوں کو مارتے ہیں، کیا وہ اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں کہ کون اس سلوک کے لائق ہے اور کون نہیں، اس میں فرق کیا جائے؟ مطلب یہ کہ یہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہو سکتا ہے جو آج ہمارے یہاں تحریکی حضرات جس کی ترغیب دیتے ہیں اور کئی ملکوں میں جو کام کیا؟ تو پہلے تحقیق کر لو، اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کے بارے میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے. اے فتثبتوا، شیخ محمد الوہاب نے اس کی تبینوں کی تشریح کی، یعنی تم تثبت مضبوطی حاصل کر لو، یعنی پورے طریقے سے جب تحقیق کر لیں گے تو یقین ہوگا کہ ہاں واقعی یہ اس کے لائق ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، تو تثبت حاصل کر لو. اب اس آیت کے اور اس کے معنی کا ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں فل آیت تدل علی انہ یجب الکف عنہ والتثبت، تو آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ایسے شخص سے رک جانا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، حملہ نہیں کرنا، مارنا نہیں، اس سے رک جانا واجب ہے، اور تثبت یعنی یقینی طور سے کسی علم کو حاصل کر لینا کہ ہم کو اس پر پورا اطمینان ہو جائے، یہ ضروری ہے. فَإِن تَبَيَّنَا، اب جب ہم تحقیق کریں گے تو فَإِن تَبَيَّنَا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ قُتِلَ، اب اگر بعد میں اس کی جانب سے کوئی ایسی چیز واضح ہو جائے، جیسا بھائی واضح ہوا شک شبہ نہیں، واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ کافر ہے یا اسلام کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کے مخالف ہے، تو اسے قتل کیا جائے گا. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فتبین، اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے فتبین، تم تحقیق کر لو ہے کہ اب محمد، دیکھیے قرآن کیسے سمجھتے ہیں، محمد الوہاب کیسے کہہ رہے ہیں، ولو کان لا یقتل اذا قالها، اگر ایسا ہوتا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس کو مارا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی حالت میں، تو اللہ لم یکن للتثبت معنا، تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ تثبت حاصل کر لو، تحقیق کر لو، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اللہ نے کہا کہ جب ایک آدمی آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنا ہے. اب تحقیق کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا، محمد الباب دلیل یہی دے رہے ہیں کہ اگر تحقیق کرنے کے بعد بھی چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اس لیے مارنے کے لائق نہیں مانا جائے گا، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہی نہیں کہ تحقیق کر لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کرو، اس کا مطلب یہ کہ تحقیق کے بعد اگر وہ مسلمان ہوا تو چھوڑ دینا ہے، نہیں ہوا تو پھر وہ جو سلوک کافر کے لیے وہاں روا ہوگا وہ کرنا ہے. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ وَأَمْثَالُهُ، ایسی ہی دوسری حدیث اور اس کے جیسے. بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے کہ اللہ کے رسول اللہ نے ان پر کیوں کیا، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، ایک آدمی نے آپ کو آپ کے سامنے آگے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو آپ فوراً اس پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بچنے کے لیے بول رہا ہے، اس کی کوئی چال ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن بعد میں آپ تحقیق کریں، اگر معلوم پڑے کہ واقعی یہ جھوٹا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہہ تو رہا ہے لیکن اسلام کو مانتا نہیں ہے، جب تحقیق ہوگی اور ثابت ہو جائے گا تب اس کے ساتھ کیا جائے گا معاملہ کافروں والا. یہ ورنہ اس سے پہلے کوئی مدعی لا الہ الا اللہ ہوگا تو اس کو مسلمان مانا جائے گا، حساب اللہ پر.
آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ وَأَمْثَالُهُ، اسی طرح دوسری حدیث کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں، اور دوسری اس جیسی حدیثیں فی معنی ما ذکرنا ہو اس معنی میں جو ہم نے بیان کیا، وَأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ التَّوْحِيدَ وَالْإِسْلَامَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ، وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ، کہ جس شخص نے توحید اور اسلام کو ظاہر کیا، اپنے آپ کو مسلمان اور موحد بولا، اس سے رک جانا واجب ہے، إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ، سوائے اس حالت کے کہ جب اس سے یہ بات واضح طور سے ثابت ہو جائے جو اس کے خلاف ہے، توحید اور اسلام کے مخالف ہے۔ والدلیل علی ھذا، اس بات پر دلیل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی قال اقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے فرمایا حضرت اسامہ سے کہ کیا تم نے اسے قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو وقال، تو اور یہ کہا، اور یہ حدیث بھی بیان کیا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس نے جان مال بچا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے قتل کر دیا، مطلب رد کیا نا، اسی رسول نے آگے چل کے کہا کہ هو الذی قال فی الخوارج، وہی رسول ہیں جنہوں نے خوارج کے بارے میں کہا کہ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، کہ جو تمہیں جہاں کہیں ملے ان کو مار ڈالنا، قتل کر دینا، کیا پیاری بات ہے، غور کیجئے، جہاں ملے مار دینا، اور ایک دوسری ایک حدیث میں جملہ ہے لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر مجھے وہ مل گئے میں ان پر قابو پا گیا تو انہیں عاد قوم عاد کی طرح قتل کروں گا، کیا مطلب، قوم عاد کیسے مرے ختم ہوئے تھے، پورے کے پورے ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، صفائے ہستی سے مٹ گئے، تو میں اس طریقے سے ان کو ان کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کروں گا، یہ کون کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت اسامہ پر تنقید کی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مار دیا، اس کا مطلب اب آپ لا الہ الا اللہ کہہ کے قبر پہ جا کے سجدہ کرو پیر صاحب کے، جو ہے جا کے جو ہے ان کی عبادت کرو، پھر بھی آپ کا لا الہ الا اللہ سلامت رہے گا، نہیں، اللہ کے رسول خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہاں ملے مار دینا اور مجھے مل جائیں گے تو آج کی طرح قتل، حالانکہ آگے دیکھیے ما کونہم من اکثر الناس عبادتا و تحلیلا و تسبیحا، ان کے ایسا ہونے کی وجہ کے باوجود کہ وہ لوگوں میں عبادت کے اعتبار سے، تحلیل و تسبیح کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھ کر تھے، ہاں یہاں تک کہ صحابہ حتی ان الصحابۃ یحقرون صلاتہم عندہم، یہاں تک کہ صحابہ کرام اپنی نماز کو ان کی نماز ان کے سامنے ان کے پاس حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، وَهُمْ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ حالانکہ انہوں نے صحابہ سے علم سیکھا تھا، صحابہ سے، آج کل لوگ بولتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے علامہ اتنے بڑے مولانا اس کو اتنے لائک کرنے والے ہم ان کی تقریر سنتے، تو آپ نے کس سے سیکھا یہ اہم نہیں ہے، کیا سیکھا اور کیا مانا یہ اہم ہے، تو وہ صحابہ سے سیکھے تھے، انہیں جو خوارج تھے وہ کون لوگ تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے نا، حضرت علی نے ان سے قتال کیا، یہ صحابہ کے بیچ میں تھے، حضرت عثمان غنی کے خلاف انہوں نے ماحول پہنے بنایا، خروج باللسان کیا، بعد میں خروج بالسیف کیا، تو صحابہ سے دین سیکھا تھا، ہاں اور اس میں بڑے بڑے مہارتی تھے، عبد الرحمان ابن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا اس کے بارے میں آپ تفصیل پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے، حضرت عمر بن عاص نے قاری قرآن کو بلایا حضرت عمر سے کہہ گئے تو ان کو بھیجا کہ یہ قرآن میں مضبوط ہے سب سے، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، بہت دیندار عبادت گزار، خارجی ہو گئے، حضرت علی کو مارا، حضرت علی کو مارنے کے بعد بھی شرمندہ ہوئے ہونے کے بغیر کی بجائے کہتے ہیں کہ مجھ کو جب قتل کرنا حضرت علی کے قتل کے جواب میں تو مجھے اکٹھا قتل نہیں کرنا، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو الگ الگ کاٹنا، مطلب کیوں ایسا، ان کا یہ خیال کہ بھائی اس طرح زیادہ تکلیف سے میں مروں گا تو زیادہ ثواب ملے، یعنی اس کو غلط نہیں صحیح مان رہے، خیر تو یہ خوارج نماز میں اللہ کے رسول اللہ کی حدیث میں خود ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ ہندوستان پاکستان میں یا بلکہ ہر جگہ پبلک کو بار بار بتانے والا ہے کہ ظاہر میں نماز روزہ اچھی تقریر اور درس دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانے کا، اصول دیکھا جائے، عقیدہ منہج دیکھا جائے، ہاں اگر ایک آدمی منہج میں عقیدے میں غلط ہے تو اس کے نماز روزے سے دھوکہ نہیں کھانا کہ چلو اب مسلک سے اٹھ کے دین کو بلند کرو، ہاں جماعت اسلامی والے اور یہ لوگ سب بکواس کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کو پڑھے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، تو حضرت
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوارج کو قتل کر دینا، جبکہ صحابہ کرام ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کمتر سمجھتے تھے. ہاں حالانکہ انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، لیکن فلم تنفعہم لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ نے ان کو فائدہ نہیں دیا. تو گویا یہ سوال ہے کہ خوارج لا الہ الا اللہ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ آپ کیا بولیں گے ان کو؟ ولا کثرت العبادہ ولا ادعاء الاسلام لما ظہر منہم مخالفت الشریعہ، اور نہ ہی لا الہ الا اللہ نے انہیں فائدہ دیا، نہ ہی کثرت عبادت نے، اور نہ ہی مسلمان ہونے کے دعوے نے ان کو فائدہ دیا جب ان کی جانب سے شریعت کی مخالفت ظاہر ہو گئی. ہاں یہ دو چار لائن ہے، پورا ہو جائے گا درس، بہت کم ٹائم بچا ہے نا. اچھا ہے کہ ہاں کچھ سوال ہے. اس میں جو تھا نا سمجھ کے مارنا جو ہے، ان کا خروج کئی اعتبار سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان کے لیے کافی تھا کہ یخرجون من الدین کما تخرج الرمیۃ من القوس، ان سے نکل جانے والی بات تھی. ایک خوارج کو بھی صحابہ کرام کی تعبیر میں ہم یہ نہیں پاتے کہ ڈر براہ راست انہوں نے کافر کہا، اس پر بحث ہے عقیدہ کی کتابوں میں. ان میں درجات بیان کیے جاتے ہیں کہ خروج کے درجات ہیں، تو جیسا درجہ ہوگا اس طرح کا. علامہ ابن تیمیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جتنے اہل بدعت ہیں گروہ ہیں، ان میں درجات ہیں، ایک ہلکے ہیں، ایک متوسط ہیں، اور ایک غالی ہیں. جو غالی ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. تو خوارج میں جو غالی ہیں وہ کافر ہوں گے. ہاں اس سے نیچے کے جو ہیں، اب جیسے ہمارے یہاں آج بہت سارے مسلمانوں میں خروج کی الگ الگ شکلیں پائی جاتی ہے، اور اہل حدیثوں میں ایک خاص قسم کا خروج 10 میں سے 10.5 میں پایا جاتا ہے. ہاں 10 میں سے 10.5 اس لیے بولتا ہوں کہ 9 بولو تو سب لوگ وہ ایک جو چھوڑا نا وہی سمجھتے کہ میں وہ. اللہ نے صحابہ کو کافر کیوں بولے؟ وہ اصول ہے. اصل میں وہ اصول ہے. اصول کیا بنایا انہوں نے؟ ان الحکم الا للہ. وہ تو کہا، اس کا مطلب یہ نکالا کہ جو شخص کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اب اس ایک اصول کو بنا کر انہوں نے بہت سارے قرآن و حدیث کی مخالفت کی، پھر اس کے تناظر میں جو عمارت کھڑا کی اپنے دین کی کہ بغیر دلیل کے ایک مسلمان کو کافر کہہ دینا، کیوں؟ کبیرہ گناہ کیا ان کی نظر میں. اچھا یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جس چیز کو وہ گناہ کہہ رہے ہیں وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، ابھی یہ بھی ایک بات، وہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے سب سے پہلے جس بنیاد پر حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے دونوں فریق کے موافقین کو کافر کہا، کس بنیاد پہ؟ جب تحکیم کا مسئلہ ہوا، حکم بنایا، اور انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ. جب اللہ کہہ رہا ہے حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور انہوں نے انسان کو حکم بنا لیا، یہ کفر و شرک کیا، کافر ہو گئے. تو ایک مسلمان کو دلیل شرعی کے خلاف، یعنی جہاں ثبوت نہیں ہے، اس کے بغیر کافر قرار دینا، خود ہاں جی جی پہلے تکفیری تو یہی تھے. یہ ہے شیعہ ہیں اور پھر ان کے متبعین. اب خوارج میں بھی کئی درجات ہیں. بعض خوارج میں کچھ یعنی ایک طریقے کی وہ ملتی ہے، تھوڑی نرمی، لیکن اس میں بعض بہت شدید ہے. صحابہ کو قتل کیا، جیسے کہ حضرت علی والی بات ہے، صرف حضرت علی کی بات نہیں ہے، اور بھی صحابہ کرام کی. ہاں ان کو وہ راستے میں ملے تھے، پکڑے تھے. تو اس طرح سے جو انہوں نے قتل کیا اس کو مباح سمجھا، پھر اس بنیاد پر ان تمام آیتوں اور حدیثوں کو گویا رد کر دیا، تعویل کر دی، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی مسلمان کو جہنم میں جانے کے بعد نکالا جائے گا، ہے نا، کہ بہت سے لوگ نکالے جائیں گے. خوارج نے ان حدیثوں کا رد کر دیا. اور پھر ایسے ہی نہیں ہے، ان کے اور بھی پھر اصول آگے بڑھے. اور فساد تو ہے شیخ، ظاہری طور پر فساد ہے، ان کی وجہ سے فساد جو زمین میں فساد پھیلے. مسلمانوں کو جیسے حدیث میں جو ان کی علامتیں بتائی گئی کہ اہل اوثان کو چھوڑیں گے اور اہل توحید کو ماریں گے، یہ چیز ان کے یہاں بہت کامن ہے. اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں. یہ وکذالک ما ذکرنا ہو فی قتال الیہود، اسی طریقے سے ہم نے جو یہود سے قتال کے سلسلے میں بیان کیا
क्या बयान किया कि वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, फिर भी अल्लाह के रसूल ने उनसे किताल किया, उनको मुसलमान नहीं माना। और सहाबा का बनी हनीफा से किताल करना, वकदालिक अराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक और दलील जोड़ दी आखिर में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने, कि इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, इरादा किया, अन यग़ज़ुआ बनिल मुस्तलिक, कि आप बनू मुस्तलिक कबीला है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया यहीं की थी ना, हाँ, तो बनू मुस्तलिक से किताल करें। क्यों आपने उनसे लड़ाई और जंग का इरादा क्यों किया? लम्मा अखबरहु रजुलुन अन्नहुम मनउ ज़कात, जब एक आदमी ने आपको ये खबर दी कि उन्होंने जक़ात से मना कर दिया कि हम जक़ात नहीं देंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क़िताल का इरादा किया। यहाँ रुक के मैं आपको याद दिला दूँ, आपको अहले हदीस तफसीरों में वजाहत मिलेगी कि आमतौर से बाज़ कुतुब तफासिर में ये कहा गया है कि वलीद बिन उकबा एक सहाबी थे, उन्होंने आके ये खबर दे दी अल्लाह के रसूल सल्लम को कि बनू मुस्तलिक के लोगों ने जकात देने से इनकार कर दिया और आपने जंग की तैयारी शुरू कर दी। तभी आगे कुरान की आयत नाजिल हुई और वो कहते हैं कि वलीद बिन उकबा ने ये बात नहीं कही, वहां गए नहीं थे, वहां गए नहीं थे फिर भी कह दिया। तो ये बात तो सही है कि खबर झूठी थी, लेकिन एक सहाबी रसूल का नाम लेकर ये जो नकल किया जाता है रिवायत से, तो वो सनद मतन दोनों एतबार से साबित नहीं है। वलीद बिन उकबा का जो नाम लेकर जो रिवायत बयान की जाती है वो रिवायत सही नहीं है, लेकिन वाकया है, वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खबर मिली कि बनु मुस्तलिक के लोग जकात देने से मना कर रहे हैं, तो आपने तैयारी शुरू कर दी। हाँ, आगे जो आ रहा है, आपने तैयारी शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने तंबीह की कि पहले तहकीक कर लो कोई फासी खबर लाए, तो इससे यह भी पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। दूसरी चीज, हमारे यहाँ आजकल जो जमात इस्लामी और तहरीकी नौजवान बोलते हैं कि उलमा को वाकई का इल्म नहीं होता, फिकुल वाक़े, अरे कुरान हदीस तो जानते हैं, उनको वाकयात आज दुनिया में क्या हो रहा है मौलवियों को बालू में नहीं चलता। तो इससे पता चला कि बनू मुस्तलिक के ताल्लुक से भी अल्लाह के रसूलों को खबर नहीं थी। इस्लाम ले आए थे जब, अच्छा जुवैरिया से शादी हो जाने के बाद सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, ये उसके बाद का वाक्य है। नहीं, जंग हुई नहीं, ये खबर मिली कि वो जकात देने वाले नहीं है, तो आप तैयारी करने लगे, तब अल्लाह ने कुरान उतारा, हत्ता अंजल अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु क़ौमन बिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि ऐ ईमान वालो, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए, फासिक खबर लाए, फतबय्यनु, तो तुम तहकीक कर लो, फतसब्बतु, सच्चाई मालूम करो, तहकीक करो। इसका उल्टा माना क्या हुआ? मफ़हूम मुखालिफ, सिका आदमी, सिका आदमी अदूल खबर लाए तो मान लो। मुहद्दिसीन ने यहां से निकाला उसूल कुरान से कि आदिल जाबित सादिक सच्चा हो उसकी हदीस को कबूल किया जाएगा, गवाही को कबूल किया जाएगा। तो जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तुम उसकी तहकीक कर लो, अंतुसीबु कौमन, वरना ये कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, बेजहालत नादानी में, इल्म नहीं है और पलट के जो है, आज हमारे बहुत से झगड़े ऐसे ही चल रहे हैं, खबर लाता है आदमी हम मान लेते हैं, हाँ यकीनन मेरे को यकीन है कि ऐसे ही हुआ होगा, फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, तो जो कुछ तुमने किया उस पर तुम नादिम हो जाओ, बाद में शर्मिंदा होना पड़े, हाँ तहकीक कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत उतारी तो गोया इसमें खुद ब खुद बैन सतूर में ये इशारा मौजूद है कि जो खबर आप तक पहुंची है वो खबर सही नहीं है। वकान रजुल काज़िबन अलैहिम, जिस आदमी ने ये खबर दी थी उन्होंने उन लोगों के खिलाफ यानी बनू मुस्तलिक के खिलाफ झूठी बात कही थी, जब पता चल गया कि नहीं नहीं गलत है तो फिर आप रुक गए, वरना आप उनके खिलाफ इकदाम करने जा रहे थे इस बुनियाद पर, और अल्लाह ने कहा कि पहले खबर की तस्दीक कर लो, तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा दो गलत जानकर और तुमको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। فكل هذا يدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه,
یہ ساری دلیلیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث میں جو اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں اور جو یہ اہل بدعت پیش کرتے ہیں وہ ساری کے ساری جس سے وہ حجت پکڑتے ہیں اس سے وہی مراد ہے جو ہم نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ سے آدمی جان تو بچا لیتا ہے ظاہر میں، لیکن اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس شخص کہنے والے کے سامنے اس کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، تو پھر اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا اصولوں کے مطابق، اس سے پوچھا جائے گا، تحقیق کی جائے گی، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. واضح؟ وآخر دعوانا الحمد للہ.